नाबालिग बच्चियों को पॉर्न वीडियो दिखाने वाले सरफरे को पुलिस ने दबोच लिया है। बच्चियों ने वीडियो दिखाने की बात अपने परिजन को बताई थी। इसके बाद परिजनों ने सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो सरफरा युवक नजर आया। परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी करने के बाद पकड़ लिया। जानकारी मिली है कि ये युवक पहले भी बच्चों को ऐसी ही और मूवी दिखा चुका है। इसमें उसमें कार्रवाई की गई है और उसको जेल भेजा गया है। इसमें सूचना मिली थी कि इस तरह का व्यक्ति इस तरह की हरकतें कर रहा था, एक प्रकरण पंजीबद्ध करके उसको कोर्ट में पेश करके उसको जेल भेजा गया। एमपी में लव जिहाद का नया मामला सामने देखने को मिला है। मंडला का यह मामला है जहां पर सतना जिले की एक हिंदू युवती ने मंडला जिले के एक मुस्लिम युवक पर शादी का झांसा देकर आधार कार्ड में सरनेम चेंज कराने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। दरअसल युवती ने महिला थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। मंडला जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत रहने वाला एक मुस्लिम युवक से मेरी दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी। युवक अच्छे से जानता था कि लड़की हरिजन समाज से है, फिर भी शादी करने की बात की और लगातार 11 महीने से दुष्कर्म कर रहा है। जब युवती ने युवक से शादी करने के लिए कहा तो युवक ने युवती से आधार कार्ड में नाम चेंज कराने की बात कही। आधार कार्ड में हिंदू युवती मुस्लिम बन गई। फिलहाल महिला पुलिस ने युवती की इस शिकायत पर मुस्लिम युवक पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर से बड़ी खबर की बात करेंगे। जबलपुर पुलिस ने सिपाही को गिरफ्तार किया है। सिपाही शैलेंद्र गुर्जर को जबलपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें खंपू थाने में पदस्थ था सिपाही शैलेंद्र गुर्जर। 2013 के व्यापम फर्जीवाड़े का आरोपी है ये सिपाही। ग्वालियर की खबर की हम बात कर रहे हैं। जबलपुर पुलिस ने सिपाही को गिरफ्तार किया है। सिपाही का नाम शैलेंद्र गुर्जर है जो कि जबलपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। कंपू थाने में पदस्थ था सिपाही शैलेंद्र गुर्जर। 2013 के व्यापम फर्जीवाड़े का आरोपी है सिपाही। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना है। नेटवर्क न्यूज 18 नेटवर्क। मारपीट, मामला थाने तक पहुंचा। शिवपुरी में एक्शन में पुलिस, युवक से मारपीट और अमानवीय व्यवहार करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार, एक फरार। सिंगरौली में न्यूज 18 की खबर का असर, युवक की पिटाई के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में आई पुलिस। इंदौर में पुलिस की बर्बरता, चोरी के आरोप में एक महिला की पिटाई।